सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना इलाके के गांव गढ़वीरा में एक युवती ने यहीं के एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए युवक विजय कुमार पर देह शोषण करके गर्भवती करने का भी आरोप लगाया। इस मामले में महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और बताया कि दोनों में प्रेम प्रसंग था और युवक ने शादी का झांसा देकर एक गलत काम किया और अब उसे अपनाने से मना कर दिया। युवती ने बताया कि आरोपी दूसरी शादी भी कर चुका है। प्रार्थी पूनम दास है जो गढ़वीरा की रहने वाली है और आरोपी है विजय कुमार यादव, वो भी गढ़वीरा का है। दोनों एक ही गांव के हैं और दोनों मतलब एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और इनका 2013 से प्रेम प्रसंग था और इसका जून 2021 में इसके साथ मतलब शारीरिक लगातार संबंध बनाने से महिला प्रेग्नेंट हो गई है और ये अपने लिखित आवेदन पर प्रथम सूचना दर्ज कराना चाह रही है। अभी फिलहाल प्रथम सूचना इसके लिखित आवेदन पर दर्ज होगा और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वो मेरे साथ 2021 में रिलेशनशिप बनाया जिससे मैं 7 माह की प्रेग्नेंट थी और रखने के लिए मैं एबॉर्शन के लिए बोली थी 1-2 मंथ का था तब, तो वो बोला कि नहीं मेरे को रखना है, चाहिए मेरे को बेबी। फिर 5 मंथ के बाद बोलता है कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए बेबी, तुम टेबलेट खा लो। तो 5 मंथ में मैं कैसे गिरा सकती हूँ, नहीं गिरा सकती हूँ बेबी। उसी के वो पे मैं महिला थाना आई हूँ, मतलब वो मेरे को रखे, मेरे बच्चे को हक दे, इसके कारण मैं महिला थाना आई हूँ। इंसाफ चाहिए मेरे। क्या नाम उसका? विजय।